मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल डिब्बों की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं, तो आइए फटाफट रेसिपी। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ मुरमुरे की रेसिपी लेकर आई हूं। तो देखिए यहां पे मैंने एक कटोरे भर के मुरमुरे ले लिए हैं। आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ठंडियों में बहुत ही इसे खाए जाते हैं। तो आइए कैसे बनाना है शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम सबसे पहले जो ये मुरमुरे लिए हैं इसे बिना तेल घी डाले हमें जो है रोस्ट कर लेना है, हल्का सा इसे भून लेंगे। इससे जो इसकी नरमाहट होगी वो निकल जाएगा। तो इसे हमें धीरे धीरे गैस पे भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मुरमुरे हमारे हो गए हैं। इसे कैसे चेक करना है देखिए हम दिखाते हैं आपको। इसे हाथों में लेकर जब ऐसे आप दबाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल आराम से टूट जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल हो गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम, ये मेरा गुड़ है। तो उसी कढ़ाई में हम सबसे पहले बिना घी डाले हम इसे गुड़ को डाल लेना है। वो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा कप के लगभग हम पानी डाल देंगे इसमें। पानी इसलिए डालेंगे कि गुड़ नीचे से जले नहीं, और इसे चला लेंगे। गुड़ की चाशनी हमें बना लेनी है। गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे, और इसे अब हम चलाते रहेंगे। सर्दियों में ये खाने जाने वाले बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, और गुड़ तो सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे लड्डू जो हम बना रहे हैं मुरमुरे के, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे और हेल्दी लड्डू रहेंगे बिल्कुल। तो गुड़ की चाशनी हमें बना लेना है। तो देखिए गुड़ हमारा जो है यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से उबाल आने लगा है। इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट अच्छा करने के लिए, और भी टेस्ट अच्छा हो जाए इसके लिए थोड़ा सा मैंने ये एक टुकड़ा अदरक का लिया है। तो अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल देंगे। इससे क्या अदरक बहुत ही फायदेमंद भी होता है और टेस्ट बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो जब गुड़ पिघल जाएगा उसी समय हम अदरक को भी कद्दूकस करके डाल देंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने अदरक को भी डाल दिया है कद्दूकस करके, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अदरक जो है बहुत ही फायदेमंद भी होता है। ये सर्दियों की लड्डू बहुत ही अच्छी होती है। इसे कितना पकाना है गुड़ को हम आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि गुड़ हमारा पका है कि नहीं चाशनी अभी। तो यहाँ एक कटोरी में आप पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ को डालेंगे और गुड़ को चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये गुड़ हमारा पका नहीं है, थोड़ा सा इसे हमें और पका लेना है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल पानी में जो है जम नहीं रहा है। तो थोड़ी देर इसे और पकाएंगे, तो फिर से हम चेक कर लेंगे उसी पानी में कि पका कि नहीं। तो ये देखिए अब जो हमने दोबारा डाला है ये बिल्कुल जम जा रहा है, आप देख सकती हैं। ये देखिए तो गुड़ हमारा पक चुका है चाशनी। गैस को कर देंगे ऑफ हम यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तैयार हुआ है। यहाँ पे जो मैंने ये मुरमुरे भून के रखे हुए हैं इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिलाते जाएंगे चाशनी में। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे कि गुड़ सब में मिल जाए अच्छे से। अब हम सभी को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मिला लिया है अच्छे से, बिल्कुल ये मिल गया है। और इसे अब इसका हम
लड्डू बनाना चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें कटोरी में पानी ले लेना है और हाथों में अपने हम पानी को लगा लेंगे। जब ये हल्का गर्म रहेगा तभी ये लड्डू हम बनाएंगे, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल बन नहीं पाएगा, दिक्कत होता है। तो ये देखिए इसे हल्का हल्का अभी ये गर्म है फ्रेंड्स, ये देखिए मकर संक्रांति आने वाली है, मकर संक्रांति पे ये लड्डू बहुत ही खाया जाता है। ये देखिए बहुत आसान है बनाने में, बस इसे ऐसे गोल गोल आप साइज अपने पसंद से रख सकती हैं, बड़ा या छोटा आप कर सकती हैं जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए लड्डू मेरे तैयार हैं, तो बस ऐसे ही सारे लड्डू को हमें बना लेना है फटाफट फटाफट हम इसे बनाते हैं ऐसे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मुरमुरे के लड्डू बनके कितना झटपट तैयार हो गए और बहुत ही टेस्टी यम्मी। मकर संक्रांति पे आप लोग भी बनाइए खाइए, और ये ठंडियों में बहुत ही फायदेमंद होता है, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, गुड़ सभी को फायदेमंद होता है। तो ये रेसिपी तैयार है बिल्कुल बनके, बनाइए खाइए इंजॉय कीजिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हाँ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।